गाइस वेलकम बैक टू बी नेचुरल। आज हम बात करने वाले हैं कि फेशियल हेयर रिमूव करने के लिए कौन कौन से उपाय हैं और क्या आप ट्राई कर सकते हैं। मैं पर्सनली क्या प्रेफर करती हूँ फेशियल हेयर रिमूव करने के लिए, तो देखो हम सभी की बॉडी पे हेयर तो होते ही हैं, किसी के कम होते हैं, किसी के ज्यादा होते हैं, लेकिन ऐसा कोई भी नहीं है जिसकी बॉडी पे हेयर ना हो। सर के साथ साथ बॉडी पे हेयर होना जरूरी है और इसके भी अलग अलग रीजंस होते हैं, उसके बारे में बात नहीं करते, ज्यादा डीपली नहीं जाते, सीधा पॉइंट पे आते हैं कि भाई फेशियल हेयर मैं कैसे रिमूव करती हूँ। तो सच बताऊं, टू बी वेरी ऑनेस्ट, हाँ मेरे फेस पे हेयर है, बहुत कम है, हर किसी के फेस पे होते हैं लेकिन किसी के कम किसी के ज्यादा। मेरे फेस पे बहुत कम हेयर है और अभी तक मुझे नीड फील नहीं होती थी कि मैं फेस के हेयर हटाऊं। हाँ अपर लिप्स पे हेयर यहाँ पे 3-4 है मेरे भी, अब बाकी लड़कियों की तरह, लेकिन सच्ची बताऊं मैंने अपने फेस के हेयर अभी 2 हफ्ते से पहले कभी नहीं हटाया था जिंदगी में। सिर्फ एक बार हटाया था, वो भी जब मेरी शादी हो रही थी, तो पार्लर में जब ब्राइडल मेकअप चल रहा था तो पार्लर वाली ने जबरदस्ती यहाँ मेरे फेशियल हेयर हटा दिए थे। मैंने मना किया था कि नहीं हटाना, और जब थ्रेडिंग कर रही थी, थ्रेडिंग करते करते उन्होंने मेरे फेशियल हेयर भी हटा दी और तब मुझे आधा हटा दिया था, तो बाकी भी हटवाना पड़ा। तो अब तक की जिंदगी में सिर्फ वो एक दिन था जब मैंने अपने फेशियल हेयर यहाँ के थ्रेडिंग से हटवाए थे और मुझे बहुत पेन होता है, इसीलिए मैं वैक्स भी नहीं कराती हूँ। अगर वैक्स कराना तो मैं बालों को ट्रिम कर लेती हूँ या शेव कर लेती हूँ, मैं वैक्स बिल्कुल भी नहीं करती हूँ। मैं ये फेशियल हेयर रिमूव करने वाला पेन मुझसे बर्दाश्त नहीं होता, और बर्दाश्त करने की जरूरत भी क्या यार, लड़की है इसका मतलब ये थोड़ी ना है कि ये सारी प्रॉब्लम्स को बर्दाश्त करे, और भी अच्छे ऑप्शंस हैं, वो ट्राई कर सकते हैं। मैं तो या तो ट्रिमिंग का ऑप्शन या शेव का ऑप्शन बेस्ट मुझे लगता है। लेकिन जब से मैंने बी नेचुरल चैनल खोला है तब से लेके अब तक इतनी रिक्वेस्ट आप लोगों की आई है फेशियल हेयर रिमूव कैसे करना है, बताओ बताओ बताओ। तो आप लोगों की रिक्वेस्ट पे मैं मजबूर हो गई कि आपको मैं एक टिप बताऊं कि आप फेशियल हेयर कैसे रिमूव कर सकते हो। तो ये मैं चाहती नहीं थी, लेकिन मैं सिर्फ आप लोगों के लिए कर रही हूँ, तो जरा अप्रिशिएट जरूर करना। वीडियो पसंद आए तो लाइक करना ना भूलें, दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें ताकि बाकी लड़कियों को भी पता चले कि कैसे वो अपना फेशियल हेयर रिमूव कर सकती हैं। अगर आप YouTube की बात करें, इंटरनेट की बात करें, आपको बहुत सारी ऐसी वीडियोस मिल जाएंगी जहाँ पे जेलेटिन की बात होती है। तो क्या वाकई में जेलेटिन असरदार होता है कि वो आपके फेस के हेयर निकाल दे? वेल, मैंने जिंदगी में आज तक जेलेटिन ट्राई नहीं किया है, लेकिन मैंने अपनी फ्रेंड के ऊपर ट्राई किया था और उसके एक्सपीरियंस से मैं आपको बता सकती हूँ कि बेसिकली जेलेटिन पाउडर फॉर्म में होता है। अगर उसे गर्म पानी या कच्चे दूध में थोड़ा या फिर हल्का गर्म करके मिलाते हो, घोल बनाते हो, बहुत जल्दी सूख जाता है। तो फटाफट से घोल बना के अगर आप अपने फेस पे लगा लेते हो जेलेटिन को, और 20 या आधे घंटे बाद वो आपके फेस में चिपक जाता है और एक पपड़ी सी बन जाती है, और उसको आपको ऐसे अपोजिट डायरेक्शन में निकालना होता है ताकि बालों के साथ वो चिपक करके बालों को जड़ से निकाल दे, ठीक है? तो जेलेटिन ऐसे वर्क करता है, बालों में जेलेटिन चिपक जाता है और जब आप इसे उखाड़ते हो तो बाल जड़ से उखड़ के आ जाते हैं। ये फेशियल वैक्स की तरह ही होता है। तो हाँ, इस रेमेडी से आपके फेशियल हेयर जा सकते हैं। दो चीजें आप याद रखें, इस रेमेडी को अगर आप ट्राई करते हैं ऑफकोर्स आपके फेशियल हेयर जाएंगे, लेकिन पेन बहुत ज्यादा होने वाला है। तो वैक्स वाला पेन जो हाथों पैरों पे हम करवाते हैं तो चीखे निकल जाती हैं, तो फेस पे अगर आप वैक्स कराओगे तो सोचो कितना पेन होगा। अगर वो पेन बर्दाश्त कर सकते हो तो ऑफकोर्स आप वैक्स करा सकते हो फेस का जेलेटिन से। दूसरा कि ये आपके बालों को जड़ से निकाल देगा, परमानेंटली नहीं हटाएगा। कोई भी रेमेडी परमानेंटली आपके बालों को नहीं खत्म कर सकती है। इस तरह की परमानेंटली बालों को खत्म करने का एक तरीका है जो मैं आपको बताती हूँ। या तो आप जेलेटिन से अपने बाल निकाल लीजिए, या थ्रेडिंग से अपने फेशियल हेयर निकाल लीजिए, या आप ट्रिम करके भी निकाल सकते हैं। तो जो आप आपने ट्रिम कर लिया तो आपके फेशियल हेयर चले गए। अब आप उसके ऊपर एक पेस्ट लगाएंगे तो आपके बालों का जो ग्रोथ होता है ना, वो जड़ से खत्म होने का प्रोसेस आपको कैसे करना है वो मैं बता सकती हूँ। तो पहला फेशियल हेयर रिमूव करने के लिए हाँ, आपको जेलेटिन लगाना पड़ सकता है, या आपको थ्रेडिंग कराना पड़ सकता है, या वैक्स करा लीजिए या ट्रिम कर लीजिए। इन चारों में से कोई भी एक ऑप्शन देख लीजिए। पेन बर्दाश्त कर सकती है तो जेलेटिन, पेन नहीं बर्दाश्त कर सकती है तो ट्रिम कर सकते हैं। अब जब आपने अपने बालों को जड़ से हटा दिया है, चाहे वो अपर लिप्स के हो, यहाँ के हो, फेस के कहीं भी बाल हो, उसके ऊपर अगर आप एक रेमेडी हफ्ते में कम से कम 2 से 3 बार करती हैं, तो वो आपके बालों की जो ग्रोथ है ना, उस प्रोसेस को ही डैमेज कर देता है। इस रेमेडी के 2 तरीके हैं। एक मार्केट में क्रीम्स मिलती हैं, हेयर रिडक्शन क्रीम बोलते हैं, या आपके बालों की ग्रोथ को कम करने वाली क्रीम मिलती है वो, लेकिन थोड़ी महंगी होती है। वो आपको डेली लगाना होता है, दिन में 2 बार, आपने जब वैक्स कर लिया उसके बाद आपको लगाना होता है।
दूसरी, अगर आप नेचुरल डीआईवाई नेचुरल ऑर्गेनिक रेमेडी चाहते हो तो आपको लेना है 1 चम्मच मुलेठी पाउडर लिक्विरिस जिसे कहते हैं, और इसके अंदर प्रॉपर्टीज होती है जो नेचुरली आपके बालों की ग्रोथ को डैमेज कर देगा। तो बाल की ग्रोथ के सेल्स ही अगर डैमेज हो जाएंगे तो बाल उगेंगे कहाँ से। हफ्ते में 2 से 3 बार मुलेठी पाउडर 1 चम्मच लो, आधा चम्मच हनी और आधा चम्मच एलोवेरा जेल मिक्स करो और उस पेस्ट को अपने फेस पे लगाओ या जहां जहां पे आपने वैक्स कर रखा है, बाल हटा रखे हैं वहां पे लगाओ। 15-20 मिनट के लिए आप अपने फेस पे छोड़ दो उसको, और जब वो सूख जाए तो ऐसे रगड़ रगड़ करके हल्के हाथों से स्क्रब करके निकाल लो। लिक्विरिश पाउडर नेचुरली आपके स्किन के अंदर जाएगा और बालों की ग्रोथ के प्रोडक्शन को डिसबैलेंस कर देगा, डिस्ट्रॉय कर देगा। और इस रेमेडी को 3-4 महीने रेगुलर बेसिस पे अगर आप ट्राई करते हो तो आपके फेशियल हेयर की ग्रोथ कम हो जाएगी और बंद हो जाएगी धीरे धीरे। एक एप्लीकेशन में फर्क आपको बिल्कुल नजर नहीं आएगा, आपको ऐसा करते रहना पड़ेगा तभी आपको आप डिफरेंस नजर आएगा। अदरवाइज सिर्फ जेलेटिन रिमूव करके सोचो कि परमानेंटली बाल जाएंगे तो ऐसा नहीं होगा। आप कोई सा भी उबटन फेस पे लगाते हो उससे फेशियल हेयर थोड़ी देर के लिए तो जा सकता है, लेकिन हमेशा के लिए अगर आप मुलेठी पाउडर को उस स्किन पे यूज करोगे जहां बाल है ही नहीं तो वो जड़ों में जाके वर्क करेगा। ऑलरेडी अगर आपने बाल हटाए नहीं हैं और उसके ऊपर अगर आप बाल रिमूव करने के लिए कोई पेस्ट लगा रहे हो तो वो उतना इफेक्टिव नहीं होगा। मुलेठी पाउडर का जो पेस्ट आपने बनाया है उसको जगह चाहिए आपकी स्किन के अंदर डीप डाउन जाकर के वर्क करने के लिए। ऑलरेडी बाल होगा तो वो तो जड़ों तक तो पहुंच ही नहीं पाएगा ना, फिर आपके बालों की ग्रोथ कैसे कम होगी। तो थोड़ा सा लॉजिकली मैंने आपको समझाया है, आई होप आपको समझ आ गया होगा। अब बात करते हैं कि फेशियल हेयर रिमूव करने के लिए मैं क्या करती हूँ। आपकी रिक्वेस्ट के ऊपर मैंने यूज करना स्टार्ट कर दिया है ये। इसके अंदर है वीट सेंसिटिव टच ट्रिमर। इसकी एड काफी टाइम से मैंने देखी थी पर मैंने नहीं सोचा था मैं इसको यूज करूंगी, क्योंकि डर लगता था कि ब्लेड है अपने चेहरे पे कोई कैसे यूज कर सकता है, तो लड़के शेव करते हैं। लेकिन धीरे धीरे मैंने सीखा कि बाल अगर आप शेव करते हो ना, हमें लगता है कि स्किन ब्लैक हो जाएगी या बालों की ग्रोथ बहुत ज्यादा बढ़ने लग जाएगी। तो ये मेरा मिथ था जो कि क्लियर हो चुका है। मैंने कई बार आप लोगों का भी ये मिथ क्लियर किया है कि अगर गंजे सर पे ब्लेड लगाने से बाल आने लग जाते तो कोई गंजा ना होता, कोई टकला ही ना होता, है ना। तो ऐसा तो नहीं है कि इसको यूज करने से बाल बहुत ज्यादा आएंगे, लेकिन हाँ ऐसा लगता है कि बालों की ग्रोथ हार्ड आई है, क्योंकि ये बालों को जड़ से नहीं एकदम यहाँ से, कैसे पेड़ होता है आप ट्रंक से काटो और एक जड़ से निकालते हो, ये ट्रंक से आप अपने बालों को निकालते हो। तो इसीलिए ऐसा अपेयर होता है, अपीयरेंस ऐसा आता है कि आपके बाल हार्ड आ रहे हैं, क्योंकि हार्ड नहीं, बालों का टेक्सचर वही रहता है, बालों के टेक्सचर में कोई डिफरेंस नहीं आता है। तो ये है वीट सेंसिटिव टच जो आप यूज कर सकते हो आपके फेशियल हेयर रिमूव करने के लिए। बट मैं आपको रेकमेंड करूंगी बालों की ग्रोथ अगर आपकी ज्यादा है तो हफ्ते में 2 बार यूज कीजिए, बालों की ग्रोथ अगर कम है तो हफ्ते में 1 बार या 15 दिन में 1 बार भी यूज करोगे ना तो बिना दर्द, बिना किसी DIY, बिना किसी महंगी क्रीम लगाए, बिना किसी मेहनत के आप इससे अपना फेशियल हेयर रिमूव कर सकते हो। तो ये कुछ इस तरह की पैकेजिंग में आता है, मैं आपको पास से दिखाती हूँ इसके साथ आपको कौन कौन से औजार मिल जाएंगे। तो यहाँ पे टोटल आपको बहुत सारी चीजें मिल जाएंगी, इंक्लूडिंग बैटरी, मतलब आपको अलग से बैटरी खरीदने की जरूरत है, जैसे डिलीवरी होती है फटाफट से आप इसको यूज कर सकते हैं। पर हर यूज के बाद मैं आपको रिकमेंड करूंगी बैटरी निकाल करके रख दीजिए। ये सारे औजार आपको मिल रहे हैं। यहाँ आपको कैप मिलेगी, तो यूज करने के बाद आप कैप से बंद करके ऐसे रख सकते हो ताकि हाइजीनिक रहे थोड़ा सा, है ना। और ये दोनों तरफ ब्लेड आपको मिल जाएगा, एक तरफ लंबी ब्लेड है एक तरफ छोटी ब्लेड है, तो बालों की ग्रोथ के हिसाब से आप यूज कर सकते हो। ये ब्रश आता है जिसके आप क्लीन कर सकते हो हाइजीनिक तरीके से, आप चाहो तो इसको रिंस भी कर सकते हो, सोक नहीं करना है सिर्फ रिंस करना है। और ये वाला एप्लीकेटर अगर आप फिट करते हो तो इससे आप बिकनी लाइन के बाल हटा सकते हो, बिकनी लाइन के बाल अगर थोड़े लंबे हैं तो आप ये वाला अटैच कर दोगे इक्विपमेंट तो उसे इजीली कर पाओगे। अगर आप अपने अपर लिप्स थ्रेडिंग के बाल, आईब्रोज के बाल, फोरहेड के बाल हटाना चाहते हो तो आप ये वाला अटैचमेंट अगर अटैच करके करते हो तो बहुत ही इजीली बिना किसी पेन के मिनटों में आप अपने सारे बालों से छुटकारा पा सकते हो। और ध्यान रहे पहली बार यूज़ कर रहे हो तो थोड़ा कॉशियस हो जाओ, अदरवाइज इससे चोट वोट तो नहीं लगे, कट वट नहीं पड़ेगा क्योंकि जड़ों से बालों को नहीं निकालता है, ये ट्रंक से बालों को काटता है, लेकिन फिर भी आप सावधानी ज़रूर बरत रहे। और ये एपिलेटर से ज़्यादा बेस्ट ऑप्शन मैं आपको बोल सकती हूँ, शेव या एप्लीकेटर यूज़ करोगे उससे बेस्ट है कि आप ट्रिम कर लो।
अगर आपको आपके हाथों के बाल भी हटाने हैं, बिकनी लाइन के भी हटाने हैं, तो इस तरह से आप रिमूव कर सकते हो। तो आप डेमो देख रहे हो कि कैसे ये एक बार में ही सारे बालों को साफ़ करता जा रहा है बिना किसी पेन के, और हर यूज़ के बाद आप इसको अच्छी तरह से साफ करके इसके साथ जी जो पोटला सा क्यूट सा पाउच आता है इसके अंदर पैक करके रख सकते हो। ये मेथड इतना सिंपल है कि आप मैं अपने फेशियल हेयर रिमूव करने के लिए यही यूज़ करती हूँ। तो अब हम सबको मिलेगा फेशियल हेयर से मुक्ति। अगर आप ये परचेज करना चाहते हैं तो आपके लिए लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है, वहाँ से आप परचेज कर सकते हैं। फिलहाल इसके ऊपर टोटल 42% ऑफ चल रहा है। मार्केट में आपको 2250 का मिलेगा, बट लिंक के थ्रू आपको 1386 का मिलेगा कुछ दिनों के। तो देखा आपने कितना कितना इजी है। तो आपकी रिक्वेस्ट पे था आज का मेरा ये वीडियो। ऐसे ही और किसी प्रोडक्ट के बारे में आप जानना चाहते हो कि मैं यूज करके आप लोगों को उसकी सही डायरेक्शन एडवाइस दूं कि आपको यूज करना चाहिए या नहीं, तो कमेंट करके जरूर मुझसे पूछिएगा, और आपके बहुत सारे सवालों के जवाब मेरे चैनल पे ऑलरेडी आपको मिल जाएगा। तो यहाँ मैं खत्म करती हूँ। मेरा वीडियो पसंद आया तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। मैं आपसे फिर मिलती हूँ एक और रिक्वेस्ट पूरी करते हुए आपकी, तब तक के लिए बाय।